हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शंकर बायोलॉजी क्लास। शिव शंकर बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बीटी टॉक्सिन, यानी बीटी कॉटन के बारे में। बीटी टॉक्सिन जो बैक्टीरिया है उसके बारे में, बीटी कॉटन के बारे में, बीटी कॉटन क्या है, और यह जो टॉपिक है बीटी कॉटन आपका या बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। और एक बात बता दूं, हमारा जो स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर से एक ग्रुप चलता है बीसीईसी 2020 एग्जाम के लिए, और उस ग्रुप में आपको वीवीआई सेट डेली मिलता है। लगभग 600 से 700 प्रश्न आपको, क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता है। तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप वीवीआई क्वेश्चन 2020 एग्जाम बीसीईसी के लिए ले सकें। तो ये जो आपका बीटी कॉटन टॉपिक है, और एक बता दूं कि जो भी हम पढ़ाते हैं आपको या भी जो भी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं वो आपका रहता है एनसीईआरटी बुक्स रहता है, और इंडिया का सबसे बेस्ट बुक होता है एनसीईआरटी। किसी भी एग्जाम के लिए आपको निकालना हो, चाहे वह मेडिकल का हो चाहे वह जनरल कॉम्पिटिशन का, आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना होगा तभी वह एग्जाम निकल पाएगा। ओनली एनसीईआरटी के द्वारा ही वह निकल पाएगा एग्जाम। इसलिए बेहतर होगा कि आप बीसीईसी की तैयारी करते हो तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। तो यहाँ पे आपका टॉपिक है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? कॉटन नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि कॉटन का हिंदी होता है कपास, कॉटन का हिंदी होता है कपास होता है। यहाँ पे है बीटी कॉटन, बीटी का पूरा नाम है, बीबीटी का पूरा नाम आपका बाइसिलस थूरिन जीएसिस होता है। बाइसिलस थूरिन जीएसिस होता है, क्या होता है? बाइसिलस थूरिन जीएसिस होता है। और जो बीटी है बैसिलस थूरिन जीएसिस, यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है, यह एक प्रकार का जीवाणु है जो मिट्टी में, जो मृदा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो मृदा में पाया जाता है। और यह जो बैक्टीरिया है आपका कौन सा? बैसिलस थूरिन जीएसिस बैक्टीरिया जो है आपका एक ऐसा प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसा प्रोटीन? कि एक प्रोटीन टॉक्सिन यानी विषाक्त युक्त प्रोटीन, यानी विष रहित प्रोटीन जिसमें विष मिला हो, वैसे प्रोटीन का निर्माण करता है। वैसे प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। और प्रोटीन टॉक्सिन यानी टॉक्सिन कहने का यहाँ पे अर्थ हो गया विष, जहर, प्रोटीन जहर का निर्माण करता है। कौन करता है? तो बैसिलस थूरिनजीनेसिस जो बैक्टीरिया होता है, प्रोटीन जहरीला यानी जहरीला प्रोटीन विषाक्त युक्त प्रोटीन का निर्माण करता है, जो मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े का, मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े को मारता है। यहाँ पे एक आपका नाम है लिथिडोप्टेरन, यानी लिथिडोप्टेरन जो है एक प्रकार के कीड़े का नाम है जो तंबाकू के पौधे पर पत्ती पर उपलब्ध होता है। और उसको मारने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उपलब्ध होता है? बैसिलस थूरिनजीनेसिस बैक्टीरिया क्या करता है? आपको लिथिडोप्टेरन नामक कीड़ा को मारता है। और इस कौन मारता है? तो बैसिलस थूरिनजीनेसिस बैक्टीरिया के द्वारा निर्माण किए हुए प्रोटीन टॉक्सिन को यानी प्रोटीन जहर को, जहर से या लिथिडोप्टेरन कीड़ा मरता है। बीटी यानी बैसिलस थूरिनजीनेसिस वृद्धि की अवस्था में कुछ प्रोटीन, जब यह बैसिलस थूरिनजीनेसिस बैक्टीरिया जो है जब वृद्धि करने लगता है तो कुछ प्रोटीन रबा का निर्माण कर लेता है, यानी क्रिस्टल का निर्माण कर लेता है। और इस प्रोटीन को जब कीड़े मकोड़े क्या निर्माण कर लेता है, तो वह जब निर्माण करता है तब इस प्रोटीन को कीड़े मकोड़े कौन सा प्रोटीन? विषाक्त युक्त प्रोटीन यानी कीटनाशक प्रोटीन को जब कीड़े पतंग यानी कीड़े मकोड़े कीट पतंग प्रोटीन को खाता है, तो प्रोटीन में रवा में क्या, प्रोटीन के रवा में क्षारीय पीएच, प्रोटीन के रवा में क्षारीय पीएच के कारण क्या होता है? प्रोटीन के रवा में क्षारीय पीएच के कारण कीट पतंग के मध्य आंत में, मध्य आंत कहने का मतलब कि बीच वाले आंत में, उसके शरीर के जो बीच आंत होती है आहार नल, उसमें उपकली कोशिका यानी इपिथियल सेल, क्या? इपिथियल सेल यानी उपकली कोशिका को किस यानी उपकली कोशिका यानी उसके बीच के आंत में क्या करता है? उसकी दीवार से जुड़कर उसमें छोटे छोटे छिद्र बना देता है। देखिए
जो कीड़ा मकोड़ा होता है, कीड़े मकोड़े के जो आहार नाल होती है आपकी, इस आहार नाल में क्या करता है, इसकी जो उपकोशिका दीवार होती है वह होता है उपकली कोशिका इपिथियल सेल। उसमें उसके साथ क्या करता है प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, जब यह प्रोटीन टॉक्सिन को कीड़ा मकोड़ा खाएगा क्या करेगा, जब यह प्रोटीन कीड़े मकोड़े को खाएगा क्या करेगा, जब ये कीड़ा मकोड़ा प्रोटीन को खाता है तो प्रोटीन इसके आहार नाल यानी इसके आहार नाल में क्या करता है, इसके आहार नाल से चिपक जाता है और इसके आहार नाल में छोटे छोटे छिद्र करना शुरू कर देता है, छोटे छोटे छिद्र का निर्माण करना शुरू कर देता है, जिस कारण से कोशिकाएं में इसके शरीर में मौजूद जितनी भी आपकी जो शरीर में मौजूद खाद्य पदार्थ है या ब्लड है, जिसमें तो ब्लड रेड नहीं होता बल्कि दूसरे, इसका पिछले क्लास में हम बताए थे इसमें कैसा ब्लड होता, आप जाके वीडियो इसका देखिएगा, इसमें जो पदार्थ उसके शरीर में उपस्थित रहता है इस छोटे छोटे छिद्र से इसके अंदर क्या, इसके आहार नाल के अंदर प्रवेश शुरू कर देता है या प्रवेश करना शुरू कर देता है और वातावरण से जितने भी हवा है वो इसके अंदर शुरू कर देता है प्रवेश होना, जिसके कारण क्या होता है छोटे छोटे छिद्र का निर्माण करते हैं, जिस कारण कोशिकाएं फूल कर फट जाती है। जब इसमें वातावरण से हवाएं प्रवेश करेगी या इसके शरीर में मौजूद जो भी पदार्थ है इस छिद्र होने के कारण इस आहार नाल में प्रवेश कर जाएगा, जब प्रवेश कर जाएगा तो इसके आंत में यानी मध्य आंत में बीच वाले आंत में तो यह क्या आंत होती है फूल जाती है, और फूल कर जब यह फट जाता है क्या होता है, जब यह फट जाता है कोशिका तो इसकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है डेड हो जाती है। तो अब यहाँ पे बात आई कि आहार नाल में प्रवेश करता है कैसे, देखिए ये तो आपका आहार नाल था, ये आहार नाल की जो उपकली कोशिका होती है यहाँ पे आपको बताया गया उपकली कोशिका इपिथिलियल सेल, उपकली कोशिका होता है आहार नाल के सतह पर, उसमें आपका जो प्रोटीन कीड़ा मकोड़ा लेता है उस प्रोटीन क्या करता है, वह प्रोटीन जो होता है वह विषाक्त युक्त प्रोटीन होता है और वह प्रोटीन खाने से इसके आहार नाल से प्रोटीन चिपक जाता है और इसके आहार नाल के इपिथियल कोशिका यानी उपकारी कोशिका को उपकारी कोशिका में छोटा छोटा छिद्र करना शुरू कर देता है और इस छिद्र के शुरू होने के कारण आहार नाल में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं इसके अंदर मौजूद जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वो इसमें प्रवेश करना शुरू कर देता है, जब इसमें प्रवेश करेगा तो यह क्या होगा फूल जाएगा, फूल कर फट जाएगा और कीड़ा मकोड़ा के क्या मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगी वह फूल कर फट जाती है और मृत्यु हो जाती है यानी कीड़े पकोड़े मर जाते हैं। बीटी टॉक्सिन जिसको बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन का सर्वप्रथम उपयोग कपास के पौधे पर किया गया, किसके पौधे पर किया गया, कपास के पौधे पर किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं बीटी कॉटन, क्यों बोलते हैं बीटी कॉटन। उसके बाद इसका उपयोग टमाटर पे किया गया, आलू पर किया गया, मक्का पर किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं तो आपका बीटी टॉक्सिन को क्या बोलते हैं, पोटैटो टॉक्सिन, टोमेटो टॉक्सिन बोला जाता है, किसको आपका जब इस पर उपयोग किसका किया गया, बीटी टॉक्सिन का उपयोग किया गया किस पर, आपका पोटैटो आलू पर टमाटो पर बहुत सारे पर सब्जियों पर भी किया गया था, ब्रिंजाल बैगन हो गया उस पर भी किया गया था, यहाँ पे मिज यानी मक्का पर भी किया गया, तो इसको बोलेंगे बीटी मिज यानी इस पर बीटी टॉक्सिन का उपयोग किया गया, बीटी टू पोटैटो यानी आलू पर उपयोग किया गया तो बीटी पोटैटो, टमाटर पर टॉक्सिन का उपयोग किया गया तो बीटी टोमैटो हो गया, बहुत सारे सब्जियों पर फल पर या बीटी टॉक्सिन का उपयोग किया गया था ताकि इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे और जो लगे वो मर जाए। एक बात और कि यहाँ पे अगर समाज में फिर से एक बार समझाते एक बार फिर से समझिए कि क्या होता है इप्टिकल सेल, ये जब कीट मकोड़े इपिथेलियल सेल जब कीट मकोड़े प्रोटीन टॉक्सिन यानी विषाक्त युक्त प्रोटीन को खाता है तो उसके दीवार से क्या करता है आहार नल के दीवार से चिपक जाता है प्रोटीन, और इसमें उपस्थित इपिथेलियल सेल उपकली कोशिका इस आहार नल की
दीवार में उपस्थित उपकालिक कोशिका एपिथेलियल सेल में क्या करता है, प्रोटीन छोटे छोटे छिद्र बनाना शुरू करता है, जिसके कारण इसके अंदर मौजूद जितने भी पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ जितने भी मौजूद हैं, ऑक्सीजन वगैरह सब क्या होता है कि इसके अंदर पहुंचना प्रारंभ कर देता है, इसके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है। जब इसके अंदर इस उपकालिक कोशिका में प्रवेश करना शुरू करेगा तो कोशिका क्या होगी, कोशिका फूल कर बड़ा हो जाएगी और लास्ट में यह फट जाएगी। जब फट जाएगा तो कोशिका ही फट जाएगी, जब कोशिका के मृत्यु ही हो जाएगी तो क्या कीड़े मकोड़े जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इस तरह से कीड़े मकोड़ों की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, टॉपिक आपका बीटी कॉटन का, बीटी टॉक्सिन का। तो इसका जो पीडीएफ होगा, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आपका पीडीएफ मिलेगा। अगर नहीं मिल पाता पीडीएफ, पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो आपका एग्जाम दोस्त देने वाले हैं 2020 में, उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए।